देवेंद्र जी, नागपूरची परिस्थिती ज्या पद्धतीची आहे काय वाटते? नाही, नागपूरमध्ये फार मोठ्या प्रमाणात पेशंट्सची वाढ होते आहे आणि जवळजवळ आता राज्यामध्ये नागपूर हे खूपच वर आहे रुग्णसंख्येमध्ये. आणि आता ही रुग्णसंख्या वाढत असताना सुरुवातीला डेथ्स कमी होत्या तुलनेनं, पण गेल्या 2-3 दिवसात डेथ्स देखील वाढत आहेत, त्यामुळे ही सगळी अतिशय गंभीर अशा प्रकारची परिस्थिती पाहायला मिळते आहे. आणि म्हणूनच आज पालकमंत्र्यांनी या ठिकाणी बैठक बोलवली आहे. आम्ही देखील या बैठकीला त्याकरता चालू आहोत की तात्काळ काय उपाययोजना करता येतील त्या दृष्टीनं या बैठकीमध्ये आम्ही विचार करणार आहोत. आणि विशेषतः रुग्णसंख्या जी आहे ती पाहता त्यांना सेवा शुश्रूषा कशी आपल्याला ॲवेलेबल करून देता येईल. तसं तर मोठ्या प्रमाणात एसिम्प्टोमॅटिक आहेत, त्या एसिम्प्टोमॅटिकचं विलगीकरण हाच सगळ्यात महत्त्वाचा विषय आहे. पण त्यातले जे 5-60% ज्यांना हॉस्पिटलायझेशनची आवश्यकता आहे त्यांना मात्र योग्य प्रकारचं हॉस्पिटलायझेशन मिळालं पाहिजे. आज बेड्सचा प्रॉब्लेम त्या ठिकाणी येतो आहे आणि विशेषतः हॉस्पिटल्सच्या बिलाचा प्रश्न हा पुन्हा एकदा प्रायव्हेट हॉस्पिटल्सचा सुरू झालेला आहे. तर या दृष्टीने आज आजच्या बैठकीमध्ये सर्व चर्चा आम्ही करू. या संदर्भात आमची भूमिका पहिलेपासून राहिली आहे की प्रशासनाला या संदर्भात आम्ही पूर्ण सहकार्य करणार आहोत आणि जे काही जनतेकरता करता येईल तो प्रयत्न आमचा असणार. हे असं आहे की आता बैठकीमध्ये या संदर्भातली चर्चा होईल. ॲपरंटली आमचं मत असं आहे की लॉकडाऊन हे काही सोल्युशन नाही आहे, कारण शेवटी लॉकडाऊन आपण याकरता करतो की व्यवस्था उभ्या करायच्या असतात. तथापि प्रशासनाचं मत असेल की बाबा आता त्यांनी गेले 7 दिवस लॉकडाऊन केलेलं आहे आणि त्यानंतर त्यांना जर त्यातनं काही असं वाटत असेल की बाबा एन्करेजिंग अशा प्रकारच्या साईन्स आहेत, किंवा प्रशासनाचं मत असेल की आत्ता तरी त्यांच्याजवळ तोच एक उपाय आहे, तर त्याच्यावर आम्ही विचार करू. त्याला काही आम्ही टोकाचा विरोध करणार नाही, फक्त आम्हाला असं वाटतं की त्याच्या इफेक्टिव्हिटीचा विचार थोडासा केला गेला पाहिजे. नागपूरमध्ये जिस प्रकार से कोविड लगातार बढ़ रहा है और अभी बहुत ज़्यादा केसेस पिछले कुछ दिनों में नागपुर में नज़र आती है, आज उसी के ऊपर गंभीरता से विचार करने के लिए हमारे जो महाराष्ट्र सरकार के गार्डियन मिनिस्टर है उन्होंने बैठक बुलाई है. हम सभी लोग उस बैठक में सम्मिलित होने के लिए आए हैं. हम ये मानते हैं कि जो संख्या है उस संख्या में भले एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स बहुत है, लेकिन जो सिम्प्टोमेटिक है जिनको मेडिकेशन की आवश्यकता है या हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता है आज उनके लिए बेड्स उपलब्ध नहीं है. और जो बेड्स जहाँ उपलब्ध भी है वहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा खर्चा लोगों को आ रहा है, लोगों के बिल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसके ऊपर कहीं ना कहीं रेगुलेशन लाकर लोगों को मदद करनी पड़ेगी. उसी दृष्टि से आज हम इस बैठक में सम्मिलित हुए हैं. लॉकडाउन ही एक पर्याय है देवेंद्र जी? देखिए, मेरा अपना मानना यह है कि लॉकडाउन ये कोई अंतिम सोल्यूशन नहीं है या केवल लॉकडाउन के कारण हम इसकी रोकथाम कर सकते हैं, ऐसा भी मैं मानता नहीं हूँ. लॉकडाउन एक ऐसा माध्यम है कि जिसके चलते हम लोग अपनी तैयारियां कर सकते हैं और इसलिए लॉकडाउन को केवल कोरोना को रोकने का उपाय इस रूप से नहीं देखा जाना चाहिए. अभी तो हमारा मत यह है कि प्रशासन को अगर लगता होगा कि अभी भी लॉकडाउन की आवश्यकता है तो हम प्रशासन से चर्चा करके उसमें सहकार्य करेंगे. जीवन जी, क्या वजह है कि पूरे जो आंकड़े आ रहे हैं कल पूरे 40,000 के आसपास आंकड़े पूरे भारत से, जिसमें से एक तिहाई आंकड़ा 26,000 के आसपास महाराष्ट्र से है, क्या वजह दिख रही है? सरकार की कमी या कोऑर्डिनेशन में कमी, लोगों की अनियमितता, क्या दिख रहा है? देखिए, कुल मिलाकर जो परिस्थिति महाराष्ट्र में वो तो देश में है, फिर भी महाराष्ट्र में केसेस क्यों बढ़ रही है ये एक हमारे सामने भी बहुत बड़ी गुत्थी है. क्योंकि कई राज्यों में चुनाव चल रहे हैं फिर भी वहाँ पर कोरोना इतने बड़े पैमाने पर बढ़ता हुआ नहीं दिखता. तो मुझे लगता है कि चूंकि मैं कोई इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ और इसलिए मैं कोई एक्सपर्ट कमेंट कर पाऊँगा ऐसा नहीं है, पर मेरा मानना ऐसा है कि इसके ऊपर एक्सपर्ट्स को बैठाना चाहिए. ये जिस प्रकार से एक्सप्लोजन हो रहा है महाराष्ट्र में, भाई देश से कोई महाराष्ट्र अलग तो नहीं है, फिर इतना एक्सप्लोजन क्यों है महाराष्ट्र में? अच्छा, अगर विचार करें कि टेस्ट का विचार करें तो अन्य राज्य हमारे से भी ज़्यादा पर मिलियन टेस्ट आज भी कर रहे हैं, बावजूद उसके हमारे अगर इतने बड़े पैमाने पर पेशेंट्स आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र को इसका विचार करना पड़ेगा. दूसरा, वैक्सीनेशन की जो ड्राइव है वो ड्राइव भी महाराष्ट्र में बहुत स्लो है. जैसे बीच में जावड़ेकर जी ने बताया कि महाराष्ट्र को जितने वैक्सीन मिले थे उसमें से मात्र 55% वैक्सीन जो है उसका इस्तेमाल महाराष्ट्र सरकार कर पाई है. तो वैक्सीनेशन के ड्राइव को भी बड़े पैमाने पर बढ़ाने की आवश्यकता है.